एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ न्यू रेंज ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स। सो अगर बात करूँ स्किन केयर की, तो ये मैंने अपने लिए नहीं लिया था, ये मैंने मेरे ब्रदर के लिए लिया था। एंड ये जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स है गाइस, ये अभी न्यू लॉन्च हुए हैं फॉर मेंस। दिस इज़ फ्रॉम दिविसा ब्रांड, एंड दिविसा के मैंने इससे पहले भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं रूप मंत्रा के। एंड रूप मंत्रा के प्रोडक्ट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि अफोर्डेबल होने के साथ साथ स्किन फ्रेंडली होते हैं एंड मेरी स्किन के लिए वो सूटेबल रहता है। एंड अभी इन लोगों ने लॉन्च किया है दिविसा ने बैड मैन स्किन केयर रेंज एंड ग्रूमिंग रेंज फॉर बॉयज मेल्स, जो ट्राई कर सकते हैं। मैंने अपने ब्रदर के लिए ये ऑर्डर किया है। एंड आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ बैड मैन चारकोल फेस वॉश। एंड जो सेकंड प्रोडक्ट है गाइस, वो है बैड मैन टी ट्री फेस क्रीम। सो ये टू प्रोडक्ट्स है फॉर स्किन केयर, एंड इनकी जो ग्रूमिंग रेंज है गाइस, वो मैं जल्दी लेके आऊँगी मैं आप लोगों के लिए। सो बात करूँगी इन टू प्रोडक्ट्स की, तो ये इस तरीके से आपको पैकेजिंग में रिसीव होता है। एंड ओवरऑल इसकी जो पैकेजिंग है गाइस, आप देख सकते हैं क्लासी ब्लैक कलर की, क्योंकि बॉयज़ के लिए अगर देखा जाए तो उनको ज़्यादा भड़कीला या उस तरीके का पसंद नहीं आता है, तो उनकी टेस्ट के हिसाब से ही कुछ इस तरीके से पैकेजिंग लॉन्च हुई है। सो अगर बात करूँ मैं अपने ब्रदर की स्किन की, किस तरीके की उसकी स्किन कंडीशन है, तो बहुत ही ज़्यादा ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, एंड पोर्स बहुत ज़्यादा ही लार्ज है। साथ ही साथ में जो उसकी स्किन है गाइस, वो ऑयली है, सुपर ऑयली। अगर वो मॉर्निंग में ऑफिस जाता है, शाम तक उसकी जो स्किन होती है गाइस, ऐसे लगता है ऑयल चिपड़ के अपने फेस पर आया है, एंड स्वेट होता है, एंड स्किन ना ऑयल एंड स्वेट की वजह से सुपर डार्क नज़र आती है, लाइक बहुत ही ज़्यादा डार्क नज़र आती है। वो इतना डार्क है नहीं, जितना शाम तक उसकी स्किन डार्क नज़र आती है। सो ऑयली स्किन के लिए ये चीज़ होती है कि अगर आपकी स्किन ऑयली है ना, तो आपकी स्किन दो शेड डार्क नज़र आएगी, लेकिन यही चीज़ अगर आपकी रहती है ना, तो क्या होता है ना, आपकी स्किन बहुत डल भी लगती है, तो वो प्रॉब्लम रहती है, साथ ही साथ में ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है। तो ये जो रेंज है उसके हिसाब से बहुत ही ज़्यादा मुझे सही लगी। सो अगर बात करो फेस वॉश की, फर्स्ट हम फेस वॉश के बारे में बात करेंगे। सो फेस वॉश आपको कुछ इस तरीके से ब्लैक, क्लासी ब्लैक कलर की पैकेजिंग में रिसीव होता है। ओवरऑल जो इसकी रेंज है गाइस, पूरी आपको इसी तरीके से क्लासी ब्लैक कलर की पैकेजिंग में रिसीव होती है। सो पैकेजिंग वाइज इसके लिए थम्स अप है। एंड इसकी जो प्राइस है गाइस, इसकी प्राइस है 349 रुपीज़, एंड इसमें आपको मिल जाता है 100 ml ऑफ प्रोडक्ट। बट अगर आप दिविसा की साइट से लेते हैं, तो वहाँ पर आपको 250-249 रुपीज़ में ये फेस वॉश मिल जाएगा। सो अफोर्डेबल भी हो जाता है, इसमें आपको शेल्फ लाइफ मिल जाती है 2 साल की। सो ये जो फेस वॉश है गाइस, दिस इज द बैड मैन चारकोल फेस वॉश फॉर ब्लैक हेड कंट्रोल, फ्लॉलेस एंड ऑयल फ्री स्किन। अगर बात करूँ उस फेस वॉश की, तो इसमें चारकोल के साथ साथ एलोवेरा एंड मैंथोल भी यूज किया गया है। सो गाइस, जो चारकोल है, हमारी जो पोर्स है उसमें जो डीपली पॉल्यूशन, जो डर्ट पेनिट्रेट हो जाती है, उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ में आपकी जो स्किन होती है, उसको ऑयल फ्री लुक देता है। एंड जो एलोवेरा है गाइस, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ में आपकी स्किन को हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है। एंड इसमें यूज किया गया मैंथोल। सो जब भी आप इस फेस वॉश को यूज़ करते हैं, तो हल्की सी आपको जो मेंथोल है उसकी ठंडक आपको मिल जाती है, तो इससे क्या होता है, आपकी स्किन वैसे ही चार्ज हो जाती है। चारकोल आपकी स्किन से वैसे ही ऑयल एंड गंदगी को तो निकालता ही है, साथ ही साथ में मेंथोल उसकी ठंडक भी देता है, तो आपको बहुत ही चार्जिंग फील होता है एंड आपकी जो स्किन होती है गाइस, वो चार्जअप हो जाती है। सो इसका जो टेक्स्चर है गाइस, इस लाइक जेल बेस्ड टेक्स्चर, इसमें आपको हल्का सा चारकोल फील मिलेगा, हल्का सा ब्लैकिश टोन है, एंड साथ ही साथ में सिर्फ चारकोल डस्ट भी मिल जाता है। तो आप फील करेंगे जब भी आप ये फेस वॉश यूज़ करते हैं, एंड इसको यूज़ करने के बाद आपकी जो स्किन है गाइस, फ्लॉलेस नज़र आती है, ऑयलीनेस हट जाती है, साथ ही साथ में स्किन में ब्राइटनिंग इफेक्ट एंड साथ ही साथ में ग्लोइंग इफेक्ट आ जाता है। स्किन केयर के लिए नेक्स्ट प्रोडक्ट है बैड मैन टी ट्री फेस क्रीम। इसमें आपको 25 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट रिसीव हो जाता है, एंड इसकी प्राइस 699 रुपीज़। एक्चुअल जो क्रीम है गाइस, वो कुछ इस तरीके से रिसीव होता है। एंड अगर मैं बात करूँ इसकी शेल्फ लाइफ की, तो इसमें आपको 2 साल की शेल्फ लाइफ मिल जाती है। एंड इसमें बहुत ही अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं। इसमें यूज़ किया गया वीट ग्राम ऑयल, लेवेंडर ऑयल एंड साथ साथ में आर्गन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड इसमें यूज़ किया गया ऑलिव ऑयल। साथ ही साथ में इसमें यूज़ किया गया हनी, कोकुम बटर एंड शिया बटर, जो हमारी स्किन को मॉइस्चराइजेशन देते हैं। अगर मैं टेक्सचर की बात करूँ, इस तरीके से आपको वाइट क्रीमी टेक्सचर में ये क्रीम मिलती है, जो कि लाइट सी है, एंड साथ ही साथ में इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इसमें आपको बहुत अच्छी टी ट्री की फ्रेग्रेंस मिलती है, बहुत ही लाइट सी क्रीम है, जो कि क्विकली एब्जॉर्ब हो जाती है आपके स्किन में कुछ इस तरीके से, एंड आपको बहुत ही हाइड्रेशन फील देता है। सो ये टू स्किन केयर प्रोडक्ट्स है फॉर मेल्स, जो कि आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। एंड ये मैंने ब्रदर के लिए ऑर्डर किया था, एंड उसको ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है। सो इसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाइए चेकआउट कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, आइडिया शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक फॉर वॉचिंग गाइस, बाय, टेक केयर।